बात करते हैं रीवा की, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा रीवा पहुंचे। इस दौरान होटल सेलिब्रेशन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें शहर से लेकर गांव तक की समस्याओं को एकत्र कर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। महंगाई पर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर जरूरत जरूरी वस्तुओं के रेट दोगुना कर दिए गए हैं। यह सब पैसा कहां जा रहा है, यह सब बताने के लिए ही भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है। साथ ही नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि नगर सरकार जो वादे किए थे उन सभी को पूरा कर रही है। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रताप भानु शर्मा ने किस तरह से सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है और आने वाले चुनाव और यात्राओं को लेकर क्या जानकारी दी है। जो चर्चा हेतु आमंत्रित किया हमने, मुख्य रूप से तीन चार बिंदु ऐसे थे जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना और वो जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा आज की पत्रकार वार्ता का लक्ष्य है। पहला तो जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिले में जिला समन्वय समिति का गठन किया है। पदेन हैं अधिकतर उसके पदाधिकारी। 30 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नवनिर्वाचित मेयर, सभी हमारे प्रभारी सह प्रभारी, पूर्व विधायक जिन्होंने विधायक प्रत्याशी रहे, और जो मोर्चा संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्षगण हैं, उन सबको अभी पदेन रखा है। और उसमें मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान दिया है कि जिले की जो संगठन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सभी संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रकोष्ठों और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडलम और सेक्टर कमेटियों के बीच में तालमेल बना रहे और उन जो कमेटी से सुझाव प्राप्त हों उनको हम जिले में क्रियान्वयन करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति जिला संगठन में जो करी है, जिला संगठन मंत्री के रूप में भाई रवि तिवारी जी को, जो आपके परिचित चेहरे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, इन्हें जिले के संगठन की जवाबदारी दी है संगठन मंत्री बनाकर। ये सभी कांग्रेस संगठन शहर ग्रामीण प्रकोष्ठ फ्रंटल महिला कांग्रेस सेवा दल इन सब में समन्वय स्थापित करके किस तरह से हम मंडलम सेक्टर और पोलिंग बूथ तक हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय कर सकेंगे, इसमें इनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी। तीसरा जो मुख्य मुद्दा आज की सभा का हमारा है वो है AICC ने जो प्रोग्राम दिया है, अगले दो महीने का 26 जनवरी से वो शुरू होगा, जिसके बारे में संजय कपूर जी ने 20 दिसंबर को यहाँ बैठक का आयोजन किया था और काफ़ी विस्तार से रूपरेखा उन्होंने दी थी और आपने भी बड़े उसे विस्तार से अखबारों ने खूब छापा था। सबसे चर्चा करके पूरे जिले का दो महीने का कार्यक्रम बनाया है दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और हम सब के से आज विस्तार से उस बारे में चर्चा होगी। यह है इस नगर निगम के चुनाव में हमें आप सबका जो सहयोग मिला, हृदय से जो आपने समर्थन दिया हमारे मेयर के उम्मीदवार को, पार्षदों को, इसके लिए सचमुच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार आपका हृदय से आभारी है। बगैर आपके मुहिम के हो सकता है था कि हम ये सफलता ना पा पाते, पर आपने हम सबकी आवाज़ को जनता तक पहुँचाया। मेयर अजय मिश्रा बाबा की काबिलियत को घर घर तक पहुंचाया और कांग्रेस क्या करके बता सकती है उसी की वजह से राजनीतिक परिवर्तन सोच में आया लोगों और उसका परिणाम आने वाले समय में हमें विधानसभा के चुनाव में भी मिलेगा। और हम ये लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि रीवा जिले में 8 में से 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस विजयी होगी और हम जीत का झंडा फिर से कांग्रेस का झंडा हम रीवा विंद संभाग में विंद रीजन में बुलंद करेंगे। घी बांट रहे हैं, घी पी रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पेट्रोलियम में आप
एलपीजी को दुगने भाव कर दिए, डीजल को दुगना भाव कर दिया, पेट्रोल को दुगना भाव कर दिया, सीएनजी को दुगना भाव कर दिया। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? बजट बजट से बाहर ये पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? ये बड़े बड़े और भी सवाल हैं जो इस पदयात्रा के दौरान हम लोग के सामने आएंगे और जनता से भी फीडबैक आएगा। हमारा प्रयास होगा कि अगले 2-3 महीने के अंदर इन मुद्दों को ग्रास रूट लेवल से ग्रामीण स्तर से इकट्ठा करके हम आपके समक्ष लेकर आएं, सत्यता आपके सामने रखें। और रीवा के लिए जिला नहीं है, विंध्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है, संभागीय मुख्यालय भी है, इसलिए यदि यहाँ पर ये ठीक नहीं चल रहा तो दूर दराज के गाँव में क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। हमारे मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मेयर बनने के बाद नगर की समस्याओं को उन्होंने सड़क पर जाकर, गांव गली में जाकर, मोहल्लों में जाकर चर्चा करके कई योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई हैं जो त्वरित हल हो सकती हैं, जिनमें कोई बजट की जरूरत नहीं है, उस काम को किया जा रहा है। जो नगर निगम के बजट में लेकर स्वीकृति मिल सकती है उस काम को किया जा रहा है। और जो बड़ी लंबित योजनाएँ थीं, पेयजल की है, ड्रेनेज की है, सीवेज की है, और भी जो प्रदेश की सरकार से हमारे रीवा को मिलना चाहिए, उन सब योजनाओं पे भी तेज गति से काम हो रहा है। और हम विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय में ये पेयजल को और सीवियर लाइन को प्राथमिकता देंगे और नगर में शुद्ध पेयजल मिले, घर घर में नल लग जाए। हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो वचन दिया था, जो वायदा मैनिफेस्टो में किया था, हम लोग उसे पूरा करेंगे।